ये डर रहे थे। मंदिर है और यहाँ पर मान्यता है कि जो भी विशेष मानी जाती है, मांगी जाती है, वो पूरी हो जाती है। तो लेट्स सी। हाय डियर माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड, बहुत दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। वो इसलिए नहीं डाला था, एक तो मैं थोड़ा सा एक वीक तक बीमार थी, मतलब कि गला खराब था। यू नो, व्लॉगिंग तो तभी होगी अगर मैं कुछ बोल पाऊंगी, अगर मूक रहूंगी तो कोई फायदा नहीं है ना। सो फ्रेंड, मैं आई हूँ पिंजौर। जैसे कि आप मेरा बैकग्राउंड देख ही रहे हो, ये देखिए कितने घर ही घर है यहाँ पर हिमाचल से। तो यहाँ पर देखती हूँ क्या स्पेशल थिंग है, उसका व्लॉग आज मैं आपके लिए डालती हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस बारे में क्या बनाऊंगी आप लोगों के लिए व्लॉग, बट बनाऊंगी कुछ स्पेशल ही। तो फ्रेंड, यू नो, अब हम घर की तरफ निकल रहे थे और मैंने कहा यार मैंने तो व्लॉग भी नहीं आप लोगों के लिए, मेरा बहुत दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर मुझे मंदिर दिखाई दिया है, शिवलोती मंदिर है और यहाँ पर मान्यता है कि जो भी विशेष मानी जाती है, मांगी जाती है, वो पूरी हो जाती है। तो लेट्स सी, आप लोगों के लिए और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए मैं विशेष मांग के आती हूँ लॉर्ड शिवा की। तो चलिए आपको भी एक्सप्लोर करवाती हूँ मंदिर। ये गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, ये देखिए, और ये रास्ता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और ये देखिए, और सामने नजर आ गया है हमें मंदिर। चलिए, तो चलिए बाबा के दर्शन करके आते हैं मंदिर में। ये सीताफल, बिल 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 मतलब बेल पत्र का होता नहीं जिसके अंदर हो। अच्छा अच्छा, तो ये बेल पत्र है। अरे वाव, ये देखिए बेल पत्र ऊपर लगे हैं, ये देखो इस पेड़ में, और ये शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। और देखिए कितने बच्चे भी इसमें चढ़े हुए हैं, ये देखिए बच्चे मन के सच्चे बिल्कुल नहीं डरते। ये पिंजौर के बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये देखिए ये बच्चा भी चढ़ रहा है। ये किस तरह से बेलपत्र इकट्ठे किए जा रहे हैं, शिवजी जी के मंदिर के बाहर ही ये पेड़ है बेलपत्र का। ये देखिए कैसे बच्चा चढ़ रहा है। कृपया मंदिर में शांति बनाए रखें, बेकार की बातों में समय व्यर्थ ना गवाएं। कृपया मंदिर में प्रवेश करने से पहले मोबाइल बंद करें, गाड़ी गेट के सामने ना खड़े पीछे पर। और यहाँ मंदिर के सामने तो लिखा है कि मोबाइल भी नहीं ले जा सकते हैं। मैं आपको बाहर से ही दर्शन करवा देती हूँ। ये देखिए मैं दर्शन करके आ गई हूँ। सॉरी, मैं आप लोगों के लिए अंदर व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आप लोग वीडियो शूट नहीं कर सकते, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। और मैंने ये दर्शन किए, ये आपको बाहर से ही करवा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे शिव जी जी का है पूरा दिया हुआ, और यहाँ बाबा जी है इस साइड पर उनका बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा मंदिर है। चलिए कोई नहीं, मैं अब आगे देखती हूँ मैं अभी और आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करवा सकती हूँ। देखो कितनी फंबल भी कर रही हूँ। चलिए, तो फ्रेंड, लॉर्ड शिवा के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं हिमाचल की तरफ। तो ये तो आपने देखा ही होगा, ये वाली साइड, ये सोलन की तरफ जाती है, शिमला की तरफ जाती है, तो ये वो वाला रोड है। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ ब्यूटी का नज़ारा देखिए आप, कितने बड़े बड़े यहाँ पाइन ट्री है, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट मैंने देखा यहाँ पर फोटोज़ खींच रहे थे अपनी, और जितने भी नेचर को कैप्चर कर रहे थे। तो गाइज़, हमें जाते जाते मुझे ना एक यहाँ पर एक याद आया कि यार मैंने अपने फ्रेंड से भी बोला है, अपनी फैमिली को भी बोला यूट्यूब के, उनको कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो उन्होंने भी पहले नहीं देखा है, और उसे वो देखने के लिए ज़रूर 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 जाएंगे। तो गाइज, मैं एक ऐसी जगह जाने वाली हूँ जहाँ पर ना आपको आप यू नो स्नो एंजॉय कर सकते हो। टोटली आपको मजा आने वाला है वहां पर, कुफरी का और आप मनाली का मजा लोगे उस मॉल में जाकर। और मैं देखो निकल पड़ी हूँ, और देखो मुझे वो सामने मॉल नजर आ गया है। तो गाइज, ये तो वही बात होगी ना कि आप खूब अच्छे से डिस्काउंट के साथ शॉपिंग कीजिए। अब यहाँ देखिए ब्रांड है पूमा, उसमें है आपको पूरी 50% ऑफ। और जब हम इनसाइड जाएंगे, और भी यहाँ पर बहुत सारी यू नो 70% के करीब आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। आप कुछ भी अगर लेते हो, किसी भी ब्रांड के ब्रांड कोई भी ब्रांड अगर आप लेते हो, और साथ साथ यहाँ पर है स्नो पार्क।
एकदम यू नो आपको फुल आपको फील आने वाला है, एकदम कूल कूल फील आने वाला है। और अभी देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, गाड़ियाँ देखिए कितनी सारी, इसी को देखकर आप यू नो इमेजिन कर सकते हैं। और नीचे एंटर करते ही यहाँ पर देखिए पहले शॉपिंग है, यहाँ पर भी देखो जितने भी टूरिस्ट आए हैं वो सेल्फीज खींच रहे हैं। और यहाँ पर पूरी आपको ब्रांड मिलेगी लॉर्ड एंड ड्रिंक्स में, और सारी यहाँ पर सामने देखिए लिखा है ब्रांड्स, यहाँ सारी ब्रांड्स आपको मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैजिक ऑफ आइस, सेकंड फ्लोर पर आपको मैजिक ऑफ आइस मिलेगा। यहाँ पहले जाने से पहले मैं और चीज़ें देख लेती हूँ, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं ये देख ली। यहाँ पर ऐसे पूमा की ब्रांड और 50% देखिए सेल 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 चारों तरफ, यही आपको दिया कि 50% आपको हर चीज़ में यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं गई थी यहाँ पर भी एक, ये देखो ये कोई यहाँ पर आपको जैकेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे उसमें मिली थी, और ये भी पूमा की ब्रांड है और 50% ऑफ था सारा यहाँ पर भी आपको। तो ये देखिए कुछ और सारा कुछ, और ये काफ़ी यू नो सॉफ्ट, और मैंने एंजल ने बोला मामा ये ट्राई करके देखती हूँ मुझे, पर मैंने बोला यार ये थोड़ी छोटी है लंबी ले, पर आजकल के बच्चों को थोड़ा फैशन के उसमें जाना है ना, और हम लोग थोड़ा सोच लें यार थोड़ी लॉन्ग होती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है, बट सुपर्ब था सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद हम लोग गए हैं उसके साथ ही नीचे ही, जैसे हमने एंटर किया था एक रेस्टोरेंट था आपके सामने, देखिए कितना नीच एंड क्लीन ये रेस्टोरेंट है ये देखिए। और इस यहाँ पर दो तीन रेस्टोरेंट है खाने के जो है ना, आपके जो फूड कोर्ट्स होंगे यहाँ पे दो तीन है, वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर भी देखिए 60% कुछ ऑफ था, और ये हाउस ऑफ कैंडी है, अगर आप बच्चों को साथ लाने वाले हो ना तो वो भी यहाँ पर बहुत अमेज्ड होने वाले हैं, बहुत खुश होने वाले, ये कैंडीज का देख के तो वाओ करेंगे बच्चे आपके, तो पॉकेट थोड़ी भर के नहीं लाना। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग थी, यहाँ सारी कैंडीज थी, ये देखिए नाम ही जब यहाँ का है हाउस ऑफ कैंडी, तो ये देखिए ये सारी कैंडीज थी यहाँ पर, और बहुत ही जनरल रेट पर थी, कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, यू नो पॉकेट फ्रेंडली थी यहाँ पर। सो फ्रेंड इसके बाद हम लोग गए, ये देखिए लिखा है हल्दीराम, ये भी वन एक टाइप का यू नो रेस्टोरेंट ही था। और यहाँ पर आपको मिलने वाले थे जैसे कि चाट, जैसे चाट्स हो गई आपकी, गोलगप्पे हो गए, तो यहाँ पर सब इंजॉय कर रहे थे, और इवन यहाँ पर यू नो मोमोज भी थे, सारा कुछ था। और उसके बाद चलिए फिर हम और गए कि और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिटिल मोमेंट्स बिग मेमोरीज। तो इसके ऊपर देखिए अब हम थर्ड रेस्टोरेंट पर आ गए, यहाँ भी लोग फूड इंजॉय कर रहे थे, ये भी एक फूड कॉर्नर था, और ये देखिए काफ़ी बड़ा था, नीट एंड क्लीन था और काफ़ी बड़ा था ये देखिए। और यहाँ पर यू नो जो अगर आप फूड वगैरह भी लेते हो तो वो बजट में ही है आपका, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये देखिए। और उसके बाद अब फिर से हम नीचे आ गए, हमें एक वैरायटीज ही खत्म ही नहीं हो रही थी यहाँ पर कपड़ों की, बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही स्टफ सॉफ्ट, क्योंकि ब्रांड थी ना भाई वो तो होंगी। और फिर मैंने कहा चलो जल्दी से कुछ और देखे, मैं गई रेड टेप पर। एक्चुअली मैंने रेड टेप पर ना पहले एक यू नो जैकेट ली थी, वो जैकेट मुझे कहीं नहीं, अब मेरी वो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी और उसमें डिस्काउंट लगा हुआ था। यहाँ भी मैंने पूछा, ये देखिए यहाँ पे नुमेरो का UNO, ये भी एक ब्रांड थी, बहुत सारी ब्रांड्स थी और हमने देखा और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है। और उसके बाद हमने हम ऊपर निकल गए, यहाँ पर आपको मिलेगा किड्स जोन, ये देखिए वैसे लिफ्ट भी था बट मैंने सोचा कि मैं कभी भी लिफ्ट से नहीं जाती हूँ, बहुत कम लिफ्ट यूज़ करती हूँ स्टेयर के थ्रू। तो यहाँ देखिए किड्स जोन है, यहाँ पे किड्स इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है, गेमिंग है, और ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी वगैरह कार वगैरह है, और पजल्स गेम है, काफ़ी कुछ था जो कि आपके जो किड्स है वो इंजॉय कर सकते थे। ये देखिए आपको, और ये देखिए यहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं, छोटे बड़े सब इंजॉय कर रहे हैं गेम्स को। और उसके बाद हमें सामने दिखाई दिया स्नो पार्क, जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा स्पेशल और स्पेशल थिंग्स है। और यहाँ की जो एंट्री है पर पर्सन 600 है जब आप एंटर करते हो। और यहाँ पर भी ये देखिए हम लोगों ने ज़्यादा इंजॉय, सच बोलूँ तो ये स्नो पार्क में किया। और अब मैं जल्दी, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, मैंने विजय को बोला मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, बेटी मेरे साथ थी, अब तुमने यहाँ पर बहुत इंजॉय के लिए कर लिया है, अब चलिए अंदर चलते हैं स्नो पार्क के अंदर। बट भाई ये तो हट ही नहीं रहे थे, मैंने बोला भाई लेट हो जाएगा, और मैं अपने डुगू को यहाँ पर बहुत मिस कर रही थी क्योंकि डुगू ना अपने नानी के घर रह गया था। तो फाइनली उन्होंने मेरी बात मानी और हम लोगों ने एंटर किया स्नो पार्क। मैं बहुत एक्साइटेड होने वाली थी क्योंकि एक बार मैं स्नो पार्क गोवा में भी गई थी, बट मुझे यहाँ पर भी देखना था कि भी हमारे सोलन में ये सब कुछ है और हम लोग ही नहीं जा पा रहे हैं। फिर हम लोग गए मैजिक ऑफ आइस में, यहाँ पर हम लोगों ने यू नो जब आप एंटर करते हो ना तो फिर अंदर आपको दूसरे स्नो के मिलते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी वो होता है ठंडा ठंडा कूल कूल। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए अपने कपड़ों के ऊपर ही कपड़े डाल लिए और ये काफ़ी गर्म थे, अंदर जाके हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, लगी थोड़ी बहुत लगी वो तो लगनी थी ऑब्वियस है। इन्होंने हमें गम बूट दे दिया, पूरे यू नो पूरी ड्रेस दे दी, अब हमें पूरा प्रिपेयर कर दिया था अंदर जाने के लिए। हम लोग भी बहुत ही एक्साइटेड थे कि चलो, मैंने तो देखा था बट विजय ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था ये स्नो पार्क।
और हम लोगों ने एंट्री की फाइनली। और हम लोग, मैं जाते ही यू नो यहाँ पे बैलून था सब कुछ, और मैं ना गिरने से भी बची हुई, काफ़ी स्लिपरी भी था, बट इन्जॉय अनलिमिटेड ओवरलोड इन एन्जॉय, सच बोल रही हूँ, बहुत इन्जॉय किया। ये गिर रहा था, मैं गई सामने में, गई यार गिर रहा है, मेरी सेल्फी खींच ली। और ये देखिए किस तरह से इन्होंने बनाए हैं ताजमहल टाइप। और ये देखिए ये बच्चा बहुत बार गिरा, मैंने इनके मम्मा को भी बोला कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर किड, इसको आराम से कीजिए, बहुत बार गिर चुका है। बट चलिए कोई बात नहीं, इन्जॉय कर रहे थे सर, चोट चाट किसी को नहीं लग सकती थी क्योंकि बहुत ही नर्म थी, नरम टाइप थी, सॉफ्ट थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट फिर भी स्टिल हम लोगों ने तो फुल ऑन इन्जॉय किया, कश्मीर का, मनाली का, कुफरी का इन्जॉय किया हमने स्नो पार्क के अंदर। और ये देखिए कुछ इस तरह से गाड़ी बनी हुई थी, और मैं तो भाई खूब सारी रील्स वगैरह भी बनाई हैं, वो आप देखना, मैंने इंस्टाग्राम पर डाली है, kitagod.21 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसे भी फॉलो कर लीजिए गाइस, उसमें आपको सारा मिल जाएगा जो भी मैंने यहाँ रेस बना। और ये स्लाइडिंग था यहाँ पर, यहाँ से ऊपर से आते थे और नीचे स्लाइड करते हैं। मुझे ये एक्चुअली ना, मुझे ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज, मुझे पानी से डर लगता है और ये ऊपर से नीचे आना भी मुझे बहुत डर लगता है, बट फिर भी ट्राई करना चाहिए। अब हम ऊपर की तरफ आ गए थे स्टेयर से, और यहाँ पर बना हुआ था एक बार टाइप बना हुआ था जो कि आइस का ही बनाया गया था, मतलब कि इस तरह से कुछ सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी। चलिए वो भी मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बैठने के जो सिट आउट बनाए गए थे, जो ऊपर आपको रूफ दिख रहा है ये ना कॉटन में था और काफी अच्छा था। और ये देखिए गाइस इस वीडियो को लाइक करना, मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, रियली देखिए मेरे ये भी खुल जाए, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है रियली। और ऊपर देखिए ये देखिए कॉटन में है, ऊपर कॉटन और लाइटिंग खरीदी है कि स्नो की वाइब आ जाए। तो लाइक करना वीडियो को, मैं भी थोड़ी उतार देती हूँ, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ऊपर से जो नीचे का नज़ारा आ रहा था ना ऑसम, मतलब कि पूरा कैप्चर हो रहा था आपके सामने, ये सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर स्लाइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था, तो अब देखिए आगे मम्मा झूठ बोलते हैं, मम्मी नहीं आएंगे। नहीं बजते यार, मैं नहीं गई। अरे मुशक्कत के बाद फाइनली मम्मी मान धक्का मारू। फ्रेंड जो स्नो पार्क है ना, इसमें जो एंट्री होती है आपकी 45 मिनट्स की होती है, और हम लोगों ने बहुत बहुत इंजॉय किया। उसके बाद अब हमने ये जो बर्फ वाले इन्होंने हमें कपड़े दिए थे ना, ये ड्रेसेस दी थी, वो हमने चेंज किया। और मैं यहाँ पर भी यही बोल रही हूँ कि हमने बहुत बहुत इंजॉय किया है, और इन सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझसे पूछ रहे थे मैम आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैंने इन्हें बोला ड्रीम वेकेशन व्लॉग करके मेरा चैनल है, और मैंने अपनी इंस्टा आईडी दी, और हमने काफ़ी मज़ा किया, बहुत ही सुपर्ब था, मतलब कि यू नो हम एकदम से बच्चे बन गए। उसके बाद हम लोगों ने इसका बाहर निकले, और फिर यहाँ पर एक और था रेस्टोरेंट, देखिए कितने सारे हैं, ये देखिए कितना जगमगाया है, चमचमाया हुआ है, क्यों ना हो, मैरी क्रिसमस जो आ रहा था फेस्टिवल उस करके ये पूरा इन्होंने इतना प्यारा सजाया हुआ था ना। ये देखिए ये है बार यहाँ की, और यहाँ पे सारी ब्रांड्स आपको मिलेगी, और सारे लोग ये देखिए यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। लॉर्ड्स एंड ड्रिंक्स जो नाम है यहाँ का, लॉर्ड्स एंड ड्रिंक्स है गाइस, और आपके सामने ही है। और फिर मैं ऊपर की स्टेयर में अपस्टेयर चली गई कि ऊपर क्या है, तो ऊपर भी है रूफ है, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं रूफ टॉप में अपना अपनी ड्रिंक या फिर अपना खाना या स्नैक्स कुछ भी व्हाटएवर, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और गाइस जो इसके आगे से जो व्यू आ रहा था ना, वो भी बहुत ही प्यारा व्यू था, तो ये देखिए। और मैं यही देख रही थी सारा, और नीचे से कैसा व्यू आने वाला था, क्या क्या हम लोग आपको शूट करूँ, ये सब मैं सोच रही थी। वैसे मैंने तो नहीं किया ज़्यादा शूट, ये सारा एंजल ने किया है, तो एंजल ने यहाँ मेरा बहुत साथ दिया है।
और साथ साथ उनके पापा ने भी किया। और ये देखिए कुछ नीचे से ऐसा व्यू आ रहा था, जो नीचे इंजॉय कर रहे हैं, कुछ नीचे नीचे वाले फ्लोर में कर रहे थे और कोई रूफ टॉप पे कर रहे थे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। अब हम लोग गए थे यहाँ पे चाय सुट्टा बार में। ये देखिए मैं तो अमेज थी कि यार चाय सुट्टा बार यहाँ पर भी है। और हमने यहाँ के टी जो वो फ्लेवर था, कौन सा, इलायची फ्लेवर था, वो हमने ट्राई की और बहुत ही यम थी। क्योंकि भाई अब हमें ठंडी भी लगी थी स्नो के बाद, जब हमने स्नो आइस इंजॉय किया स्नो पार्क के बाद, और वो हमने इंजॉय में चाय पी और हम लोग एकदम गर्म हो गए। उसके बाद चाय सुट्टा बार के ऊपर वाले फ्लोर में भी हमने देखिए ऊपर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, तो दो फ्लोर। सो फ्रेंड हमने यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यू हैव टू कम हेयर, आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ स्नो पार्क है और बहुत ही ब्रांडेड जो सामान है और सारी ब्रांड्स आपको यहाँ मिलेगी। पूमा की ब्रांड मिलेगी और बहुत सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और चाय सुट्टा बार भी है। हमने सब कुछ यहाँ पर यू नो टेस्ट किया, अमेजिंग। यू हैव टू कम हेयर। और गाइज पहले वैसे ही जैसे एज यूजुअल मैं बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।